नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, सीने की जलन के विषय में। एसिडिटी और सीने की जलन का दमदार घरेलू इलाज। दोस्तों, पेट में तेजाब बनना, पेट फूलना, गैस होना, जी घबराना, गले और सीने में जलन या दर्द होना एसिडिटी के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पेट में एसिड ज्यादा बनने से छाती में जलन बढ़ने लगती है, जो बाद में एसिडिटी बन जाती है। कुछ लोग पेट में तेजाब बनना रोकने और सीने में दर्द व जलन का इलाज के लिए दवा लेते हैं, पर बिना मेडिसिन के घरेलू उपाय और देसी आयुर्वेदिक नुस्खों से भी इस समस्या से बचा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में ही बताएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले पेट में एसिड बनने के कारण, जिससे कि आप उन कारणों को जानकर उन कारणों को हटाकर आपको इस समस्या का कभी सामना ही ना करना पड़े, और उसके बाद जानेंगे पेट में तेजाब का इलाज करने के लिए घरेलू उपायों के बारे में। सीने में जलन क्यों होती है? हमारे पेट में एसिड बनता है जो खाने को पचाने में मदद करता है, पर जब ये एसिड ज्यादा बनने लगे तो ये एसिडिटी का रूप ले लेता है, जिस कारण पेट और छाती में जलन की समस्या होने लगती है। एसिड अधिक बनने का सबसे पहला कारण है घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड खाना, ज्यादा तला हुआ खट्टा और मिर्च मसालेदार खाना पेट में तेजाब बनने का कारण बनता है। चाय, कॉफी, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक और शराब के अधिक सेवन से भी एसिडिटी की समस्या होने लगती है। प्रेगनेंसी में सीने में दर्द और जलन की शिकायत अक्सर बहुत सी गर्भवती महिलाओं को होती है। बात बात पर दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करने से भी यह रोग होता है। इसके अलावा लंबे समय तक खाली पेट रहने और भूख से अधिक खाना खाने से भी ये समस्या आने लगती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पेट में तेजाब का इलाज के घरेलू उपाय। सीने की जलन, पेट में गैस और तेजाब बनने की समस्या से बचने के लिए भोजन करने के बाद थोड़ा सौंफ खाना चाहिए। सौंफ वाली चाय के सेवन से भी राहत मिलती है। पेट में तेजाब बनना कम करने के लिए जीरा रामबाण देसी इलाज है। आधे से एक चम्मच जीरा कच्चा चबाकर खाएं और 10 मिनट बाद गुनगुना पानी पिएं। इस घरेलू नुस्खे को करने से कितनी भी भयंकर एसिडिटी हो तुरंत आराम मिलेगा। इलायची, इलायची पाचन ठीक करने में मदद करती है। जब भी सीने में जलन या दर्द और एसिडिटी बनने के लक्षण दिखें, दो इलायची खा लो। इलायची पानी में उबालकर पीने से भी आराम मिलता है। एसिडिटी दूर करने के उपाय में ठंडा दूध बहुत अधिक फायदेमंद है। ठंडा दूध पीने से तुरंत आराम मिलने लगता है। दूध पेट में एसिड बनने से रोकता है। तेजाब, तेजाब ज्यादा बनने पर तुलसी के पत्तों को चबा चबा कर खाएं, फिर इन्हें पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। पेट में तेजाब की समस्या से छुटकारा पाने में यह उपाय अचूक है। खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए, इससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। सीने में जलन और दर्द का इलाज करने के लिए भोजन करने से पहले एलोवेरा जूस पिए, और अगर एसिडिटी ज्यादा है तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद एलोवेरा जूस पिए। इस उपचार से एसिडिटी का स्थायी इलाज किया जा सकता है। एलोवेरा जूस पंसारी या किसी भी स्टोर से मिल जाता है। पेट में एसिड बनने से होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए लहसुन का सेवन आपको करना चाहिए। पेट में तेजाब के उपाय में बाबा रामदेव के योग भी बहुत अधिक फायदेमंद है। कपालभाति, प्राणायाम प्रतिदिन करने से भी तेजाब से बचाव होता है। ज्यादा खाना खा लिया है तो भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर छाछ में डालकर पिए, इससे पेट में ज्यादा तेजाब नहीं बनेगा। अब दोस्तों जानते हैं सीने में जलन और पेट में तेजाब के उपाय। पेट में तेजाब की समस्या अधिक होने पर ज्यादा खाना खाने से बचना चाहिए। अक्सर हम पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं, जो एसिडिटी और सीने में जलन का कारण बनता है। इलाज के लिए दवा और उपाय करने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। इस रोग के परहेज में ज्यादा मिर्च मसाले वाला आहार, फास्ट फूड, तला भुना हुआ कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े, पूरी, पराठे, चाय, कॉफी, खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। पेट में एसिड को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पानी पिए। एसिडिटी के कारण पेट, गले और सीने में जलन रहती है तो केला खाएं। केले में तेजाब से लड़ने की ताकत होती है। आहार में खट्टी चीजों का सेवन ना करें। खट्टी चीजों में एसिड की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट में तेजाब बनता है। सुबह, दोपहर
और रात का भोजन करने का समय निर्धारित करें। रोजाना उसी समय पर खाना खाएं। खाना हमेशा धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए। जल्दी में खाना निगलने से इसे पचाने के लिए पेट में ज्यादा तेजाब बनता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से भी एसिडिटी हो जाती है, इसलिए 3 से 4 घंटे में कुछ भी खाते रहें। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों को अपनाकर एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।